शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया तो पहले ही फंसे थे, लेकिन अब इस मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का भी नाम सामने आया है। असल में दिनेश अरोड़ा से मनीष सिसोदिया को मिलवाने वाला शख्स संजय सिंह ही थे, और संजय सिंह के कहने पर दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के रेस्टोरेंट मालिकों से 82 लाख रुपए वसूल कर आम आदमी पार्टी के फंड के लिए मनीष सिसोदिया को दे दिए थे। ईडी की चार्जशीट में इसी वजह से मनीष सिसोदिया के साथ संजय सिंह का भी नाम है। जब सीबीआई की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं पाया गया, तब अरविंद केजरीवाल उछल उछल कर कहने लगे कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई मामला है ही नहीं। अब सीबीआई ने भी क्लीन चिट दे दी है, लेकिन तब केजरीवाल को नहीं पता था कि ईडी की चार्जशीट भी आएगी। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि हम जल्द चार्जशीट दाखिल करने वाले हैं, जो गिरफ्तार आरोपियों से संबंधित होगा। जिसके बाद अब इस मामले में ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाला में आरोपी दिनेश अरोड़ा को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दिल्ली चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा करने को कहा था। दिनेश अरोड़ा कथित तौर पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के भी करीबी रहे हैं। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक दिनेश अरोड़ा शुरुआत के दिनों में संजय सिंह से मिले, जिनके माध्यम से वो मनीष सिसोदिया के संपर्क में आए। ये मुलाकात दिनेश अरोड़ा के अपने रेस्टोरेंट अनप्लग्ड कोर्टयार्ड में एक पार्टी के दौरान हुई थी। संजय सिंह के अनुरोध पर उन्होंने कई रेस्टोरेंट मालिकों से बात की और चेक की व्यवस्था की, जिसके बाद दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी फंड के लिए 82 लाख रुपए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सौंपे गए। इतना ही नहीं, ईडी ने ये भी आरोप लगाया संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा के एक मामले को सुलझाया जो आबकारी विभाग के पास लंबित था। ईडी के मुताबिक दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी संजय सिंह के आवास पर मुलाकात की। इसके अलावा दिनेश अरोड़ा ने ईडी को बताया कि वो तेलंगाना के सीएम की बेटी के कविता से भी दो बार मिल चुके हैं। शराब घोटाला मामले में सरकारी गवाह बनने के लिए दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया था और कहा था कि वो सब कुछ बताने को तैयार हैं। कोर्ट में अरोड़ा ने कहा कि वो सरकारी गवाह बनने को तैयार हैं और मामले से जुड़े सारे फैक्ट्स अदालत के सामने रखने को तैयार हैं। अरोड़ा को थोड़े दिन पहले ही जमानत पर रिहा किया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट में अरोड़ा ने बताया कि सरकारी गवाह बनने के लिए न तो उन पर किसी तरह का कोई दबाव है और न ही सीबीआई या किसी अन्य ने उन्हें ऐसा करने के लिए धमकाया है। अरोड़ा का नाम दिल्ली के बड़े कारोबारियों में शुमार है। मिली जानकारी के मुताबिक दिनेश रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से 2009 से जुड़ा है। 2009 में उन्हें दिल्ली के हौज खास इलाके में अपना पहला कैफे उन्होंने खोला था। उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर मौजूद जानकारी के मुताबिक वो चीका दिल्ली अनप्लग्ड कोर्टयार्ड और लारोका एरोसिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। सीबीआई के मुताबिक दिनेश अरोड़ा राधा इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हैं और इसके अलावा अरोड़ा नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कमेटी मेंबर भी हैं। इतना ही नहीं, जुलाई 2018 में अरोड़ा ने ईस्टमैन कलर रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी शुरू की थी। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र ग्राम पंचायत के चुनावों में बीजेपी का जलवा पूरे राज्य में कायम रहा। बीजेपी अब तक 2352 सीटों पर जीत दर्ज कर सबसे आगे है। उद्धव ठाकरे को कोंकण से लेकर हर कहीं मात मिली और वे पांचवें स्थान पर खिसक गए। मतलब कि महाराष्ट्र की जनता ने उद्धव ठाकरे के गुट वाली पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया, जबकि एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली पार्टी ने उद्धव ठाकरे गुट से बेहतरीन प्रदर्शन किया। सीट बार देखा जाए तो सबसे अधिक बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। आमतौर पर ग्राम पंचायत चुनाव बिना पार्टी चिन्ह के लड़े जाते हैं। पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों के समर्थित उम्मीदवार मुकाबले में होते हैं। अब तक 7751 सीटों में से 7669 सीटों पर नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। इसके अनुसार शिंदे गुट के 801, उद्धव ठाकरे के 705, बीजेपी के 2352, कांग्रेस के 980, एनसीपी के 1550 और अन्य 1281 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। ठाणे जिले में ग्राम पंचायत चुनाव में बीजेपी ने भारी जीत दर्ज की है। भिवंडी की 14 ग्राम पंचायतों में से 8 ग्राम पंचायत, शाहपुर में 2 ग्राम पंचायत, मुरबाड़ में 8 ग्राम पंचायत और कल्याण की 5 ग्राम पंचायतों में बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। भिवंडी तालुका में प्रतिष्ठित कोन गांव और करीवली ग्राम पंचायत पर भी बीजेपी का सरपंच जीता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को एक भी सीट नहीं मिली है। भिवंडी की अधिकांश ग्राम पंचायत चुनाव में भाजपा के विरुद्ध शिंदे गुट समर्थित उम्मीदवार मैदान में थे। महाराष्ट्र ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि जीत का दावा करना बेमानी होगी, क्योंकि
ग्रामीण इलाकों में लोग स्थानीय समीकरण के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। इसमें किसी पार्टी का चिन्ह इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए पार्टी की हार या जीत कहना गलत होगा। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ग्राम पंचायत चुनावों के नतीजों पर कहा, हमारे गठबंधन को शानदार जीत मिली है। लोगों ने ग्राम पंचायत चुनावों में बीजेपी और बाड़ासाहेब ची शिवसेना को जनादेश दिया। हम पूरे विदर्भ कोंकण में जीते हैं। मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हम लोगों की सेवा करते रहेंगे। कांग्रेस ने बीजेपी के दावे को झूठा कहकर खारिज कर दिया और कहा कि अकेले कांग्रेस से सबसे अधिक 900 से अधिक सरपंच चुने गए। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा, महाविकास अघाड़ी की जीती गई सरपंच सीटों की संख्या बीजेपी की तुलना में कहीं ज्यादा है। उन्होंने दावा किया कि नागपुर जिले में उनकी पार्टी ने 200 से अधिक सरपंच की सीटें जीती हैं। चीन में कोरोना से मचे कोहराम को देखकर पूरी दुनिया एक्टिव मोड में आ चुकी है। बचाव की तैयारियों में भारत सरकार भी जुट गई है। कोरोना को लेकर बढ़ती चिंता के बीच केंद्र सरकार ने राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र लिखा और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करने और भारत जोड़ो यात्रा स्थगित करने को कहा। मनसुख मंडाविया के इस पत्र के पीछे बड़ी वजह ये है कि हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू भारत जोड़ो यात्रा से लौटने के बाद ही कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। भारत जोड़ो यात्रा कहीं सुपर स्प्रेडर न बन जाए, इसके लिए मनसुख मंडाविया ने पत्र लिखा, लेकिन कांग्रेस को इसमें सियासत की गंध आने लगी। यही राहुल गांधी हैं जो अव्वल तो चुनाव प्रचार करने बंगाल जाने से कतरा रहे हैं और अब जब गए तो ये कहकर चुनाव प्रचार बंद कर दिया कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए चुनाव प्रचार बंद किया जाना चाहिए। कांग्रेस ही नहीं, तब बीजेपी और तमाम पार्टियों ने चुनावी रैलियां बंद कर दी, लेकिन अब भारत जोड़ो यात्रा में हजारों की भीड़ जुटाकर राहुल गांधी घूम रहे हैं। इससे कोरोना के प्रसार का खतरा काफी बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस इसे बंद करने को तैयार नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से वायरस के नए स्वरूप पर नजर रखने के लिए संक्रमित पाए गए नमूनों के जीनोम अनुक्रमण को बढ़ाने का आग्रह किया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने ये कहा कि इस तरह की कवायद देश में वायरस के नए स्वरूप का समय पर पता लगाने में सक्षम होगी और आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को सुनिश्चित करेगी। उन्होंने उल्लेख किया कि जांच, निगरानी, उपचार, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार के पालन की रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने के साथ भारत कोरोना संक्रमण के प्रसार को सीमित करने में सक्षम रहा है और साप्ताहिक आधार पर लगभग 1200 मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी और गहलोत को खत लिखकर कहा कि राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में कोविड 19 की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन होना चाहिए। पत्र के मुताबिक अगर कोविड 19 प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं है तो पब्लिक इमरजेंसी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए महामारी से देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित कर दें। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में कोविड 19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन होना चाहिए। मास्क और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, ये भी सुनिश्चित किया जाए केवल कोरोना से वैक्सीनेटेड लोग ही इस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने। साथ ही इस यात्रा में शामिल लोगों को यात्रा में जुड़ने से पहले और बाद में आइसोलेट किया जाए। बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से निकलकर हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की इस चिट्ठी पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से मोदी सरकार बौखलाई हुई है। आम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा तरह तरह के सवाल उठा रही है। क्या गुजरात चुनाव में पीएम मोदी मास्क लगाकर सारे प्रोटोकॉल को मानते हुए घर घर गए थे? चीन में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से हाहाकार मचा दिया है और ये पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और अमेरिका में कोविड 19 के मामलों में हालिया दिनों में बढ़ोतरी हुई है और इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया महामारी की स्थिति की समीक्षा करेंगे। दरअसल राजस्थान के सांसद पीपी चौधरी, निहाल चंद, देवजी पटेल ने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखकर भारत जोड़ो यात्रा से फैल रही कोरोना महामारी के संबंध में चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने लिखा था कि देश में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में हुई वृद्धि और इसके साथ ही राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा जारी है। इसमें देश के विभिन्न राज्यों के लोग हिस्सा ले रहे हैं। दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के चलते राजस्थान में कोरोना के फैलने का खतरा बना हुआ है। यात्रा में शामिल होने वाले यात्रियों में कोरोना के लक्षण भी दिख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी यात्रा से वापस लौटने के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए
और ऐसे में इसे लेकर सचेत होने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल की सरकार के घोटालों और रिश्वतखोरी के लगातार नए मामले सामने आते जा रहे हैं। ताजा मामला दिल्ली शराब घोटाले से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें ईडी ने अदालत में चार्जशीट पेश कर कहा कि दक्षिण भारत के कुछ लोगों ने दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी सरकार को शराब कारोबार में अनुचित लाभ लेने के उद्देश्य से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। साथ ही ईडी ने कहा कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति की वजह से सरकारी खजाने को कुल 2873 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ईडी ने आरोप पत्र में कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और विधान परिषद सदस्य के कविता ने कुछ लोगों के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। रिश्वत का उद्देश्य शराब कारोबार में अनुचित लाभ हासिल करना था। इस साजिश में व्यवसायी समीर महेंद्रू, सांसद मगुनता श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव मगुनता और शरत रेड्डी शामिल थे। आरोप पत्र में कहा गया कि दक्षिण भारत के इस समूह के साथ मिलकर महेंद्रू और नायर ने रिश्वत वसूलने के लिए बहुत चालाकी से एक उत्पादक संघ बनाया। इस संघ में शराब बनाने वाली कंपनी पेरनोड रिकॉर्ड, बिनॉय बाबू, विजय नायर, अरुण पिल्लई के कविता, मगुनता श्रीनिवासुलु रेड्डी और उनके बेटे राघव, शरत रेड्डी, अभिषेक बोइनपल्ली और बुच्ची बाबू शामिल थे। आरोप पत्र के अनुसार रिश्वत की राशि आम आदमी पार्टी को सीधे नहीं दी गई थी, इसे व्यवसायी महेंद्रू के स्वामित्व वाली इंडो स्पिरिट्स के थोक संचालन और खुदरा संचालन से होने वाले मुनाफे के माध्यम से दिया गया था। रिश्वत की एवज में इस समूह के साझेदारों को महेंद्रू के इंडो स्पिरिट्स में 65% हिस्सेदारी दे दी गई। आरोप पत्र में खुलासा किया गया कि दिल्ली आबकारी नीति के चलते सरकारी खजाने को कुल 2873 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ईडी का कहना है कि इस नीति को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तैयार किया था और इनमें से कुछ सरकार में भी शामिल हैं। इनका मकसद अवैध रूप से धन हासिल करना था। विशेषज्ञ समिति का गठन और जनता से राय मांगना महज दिखावा भर था। उनकी रिपोर्ट को कभी लागू किया ही नहीं जाना था। ईडी ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि इस नीति को जानबूझकर ऐसे तैयार किया गया कि बाद में इसका फायदा उठाया जा सके और इससे अनुचित लाभ हासिल किया जा सके। इसमें जानबूझकर कमियां छोड़ी गईं। नीति को ध्यान से देखने से इसे बनाने वालों के दुर्भावनापूर्ण इरादों का पता चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। हिमाचल में कांग्रेस ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम तो बना दिया, लेकिन कैबिनेट के गठन से लेकर ऐसी कई मुश्किलें सामने आ खड़ी हुई हैं, जिससे निपटने में सुखविंदर सिंह सुक्खू को काफी पसीने बहाने पड़ेंगे। फिलहाल तो भारत जोड़ो यात्रा से लौटने के बाद सुक्खू कोरोना पॉजिटिव हैं, इसलिए माना जा रहा है कि कैबिनेट का गठन अगले साल तक के लिए टल सकता है। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के करीबी सुक्खू को कुर्सी तो मिल गई, लेकिन इसको बचाए रखने और सरकार चलाने के लिए उन्हें कई पापड़ बेलने होंगे। सबसे बड़ी बात तो विधायकों को एकजुट रख पाने की समस्या है, जो पाला बदलने से परहेज नहीं करेंगे। इसके अलावा 2024 तक हिमाचल को मॉडल स्टेट बनाने की भी बड़ी चुनौती है, जिसके बूते कांग्रेस देश के अन्य राज्यों में वोट मांग सके। हिमाचल में बीजेपी काफी करीबी मुकाबले में चुनाव हारी है। 68 सीटों वाली हिमाचल विधानसभा में बहुमत के लिए 35 सीटों की जरूरत है। कांग्रेस ने चुनाव में 40 सीटें जीतकर सरकार बनाई है। ऐसे में सुक्खू के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने विधायकों को बचा कर रखने की है। कर्नाटक और एमपी में सरकार बनाने के बावजूद कांग्रेस विधायकों को जोड़कर नहीं रख पाई थी, जिस वजह से वहां सरकार गिर गई। छोटे राज्य होने की वजह से हिमाचल कांग्रेस में जिले स्तर पर सबसे अधिक गुटबाजी है और इसका असर चुनाव में भी दिखा। भले ही कांग्रेस चुनाव जीत गई हो, लेकिन मंडी समेत कई जिलों में पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका। ऐसे में कांग्रेस में जिला स्तर पर गुटबाजी कंट्रोल करना बड़ी चुनौती है। इसके अलावा सीएम सुक्खू को प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, कौल सिंह ठाकुर, आनंद शर्मा जैसे दिग्गज नेताओं को भी साधना होगा। सीएम सुक्खू के कोरोना पॉजिटिव हो जाने की वजह से कैबिनेट विस्तार फिलहाल टल गया है। हालांकि मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए कई नेता दिल्ली में अभी भी डेरा डाले हुए हैं। सरकार बनाने के बाद पहले कैबिनेट विस्तार और फिर मंत्रियों के विभागों का बंटवारा सबसे बड़ी चुनौती है। प्रतिभा सिंह गुट कैबिनेट में अपने करीबियों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल कराने पर अड़ गई है। ऐसे में सुक्खू के सामने उन्हें साधना आसान भी नहीं होगा। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे वीरभद्र सिंह के समय से ही उनका सरकारी आवास हॉली लॉज सत्ता का केंद्र रहा। उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह प्रदेश अध्यक्ष और सांसद हैं। प्रतिभा के करीब 10 करीबी विधायक जीत कर आए हैं। ऐसे में हॉली लॉज के वर्चस्व को भी तोड़ना आसान नहीं है।
2024 तक शायद ही प्रतिभा सिंह को कांग्रेस हाईकमान प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटाएं। ऐसे में उनके साथ मिलकर काम करने की भी चुनौती है। हिमाचल कांग्रेस ने चुनावी मैनिफेस्टो में ओल्ड पेंशन स्कीम, सेब की सरकारी कीमत तय करने समेत कई वादे किए हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने से केंद्र ने मना कर दिया है। ऐसे समय में ओपीएस लागू करना आसान नहीं है। सेब की कीमत तय करके जीएसटी से मुक्ति दिलाने के लिए भी केंद्र पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। कांग्रेस ने महिलाओं के प्रति महीने 1500 रुपए और 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का भी वादा किया है और इन वादों को पूरा करना भी एक चुनौती है। राज्य पर करीब अभी 63,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। सरकार के कामकाज को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में विधायक विक्रमादित्य सिंह कहते हैं, अभी 10 दिन हुए हैं, सीएम साहब बीमार हैं, ऐसे में सरकार के कामकाज को जज करना सही नहीं है। जो भी वादे हमने किए हैं उन्हें हम हर हाल में पूरा करेंगे। 25 सीटों के साथ बीजेपी इस बार विपक्ष में काफी मजबूत है। सुक्खू के गृह जिले हमीरपुर में भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है। हालांकि इस चुनाव में गुटबाजी की वजह से पार्टी को काफी नुकसान हुआ। कांग्रेस ने पहली बार पहाड़ी राज्य हिमाचल में मैदानी भाग से आने वाले सुक्खू को सीएम बनाया। सुक्खू के सामने पहाड़ी और मैदानी भाग के पॉलिटिक्स को साधने की चुनौती है। राज्य में लोकसभा की 4 सीटें हैं, इनमें से 3 सीट पहाड़ी हिस्से में है और 1 सीट मैदानी भाग में है। अभी 4 सीटों पर बीजेपी जीती है। लोकसभा चुनाव में यहां प्रदर्शन करना भी चुनौती भरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी राजस्थान से हरियाणा में पधार चुके हैं। इस दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल होने लगा है। इस वीडियो में न मोहब्बत की दुकान खोजने वाले राहुल गांधी का चेहरा है और न ही भारत को जोड़ने का इरादा। इस वीडियो में राहुल गांधी बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। वजह यह है कि किसी कार्यकर्ता ने सेल्फी लेने की कोशिश की तो राहुल गांधी ने उसका हाथ पकड़कर नीचे खींच दिया और मोबाइल छीनने की कोशिश करते भी दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि इस वीडियो को 21 दिसंबर की सुबह शूट किया गया था। वीडियो में कोई भी तेज संगीत सुन सकता है और राहुल गांधी मंच पर अपने समर्थकों से घिरे हुए हैं। वीडियो की बिल्कुल शुरुआत में ही राहुल सेल्फी लेने की कोशिश करने लगे इस शख्स का हाथ दूर करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद राहुल फोटोग्राफर्स की तरफ देखकर कार्यकर्ताओं के साथ फोटो खिंचवा रहे होते हैं और उसी दौरान वह शख्स फिर कैमरा हाथ में उठाकर फोटो लेने की कोशिश करता है। अब राहुल को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उसका हाथ झटक देते हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ वाले भाषण के बाद राहुल गांधी का एकदम नया रूप इस वीडियो में देखने को मिला। वीडियो में राहुल गांधी मंच पर पार्टी समर्थकों के साथ दिखाई दे रहे हैं। सामने से एक शख्स फोटो खींच रहा होता है, तभी राहुल गांधी के पास खड़ा उनका समर्थक अपने मोबाइल से सेल्फी लेने की कोशिश करता है। वीडियो में राहुल गांधी अपने समर्थक का हाथ पकड़कर नीचे कर देते हैं और मोबाइल छीनने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। समर्थक मोबाइल छुड़ाकर वहां से जाने लगता है, फिर राहुल गांधी भी वहां से लड़खड़ाते हुए निकलते दिखाई दे रहे हैं। भाजपा नेता अजय सहरावत ने ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ये क्या हो रहा है। भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी लिखा है कि मोहब्बत की दुकान के फीके पकवान, कांग्रेस के लिए जनता सिर्फ वोट बैंक है, तुष्टिकरण की राजनीति तो इनकी रग रग में है, भारत जोड़ो यात्रा तो सिर्फ एक नाटक है। यूपी सरकार में मंत्री और भाजपा नेता स्वतंत्र देव सिंह ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि कांग्रेस के समर्थक को उन्हीं के नेता पीट रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि क्या राहुल गांधी नशे में हैं या सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि लगता है टी शर्ट वाले नेता सुरूर में आ रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा अब हरियाणा पहुँच चुकी है। यात्रा 24 दिसंबर 2022 को दिल्ली पहुंचने वाली है। दिल्ली पहुंचने के बाद यात्रा को 9 दिन के लिए रोक दिया जाएगा और इस बात की जानकारी कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया था कि 24 दिसंबर 2022 से लेकर 2 जनवरी 2023 तक भारत जोड़ो यात्रा रुकी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। ज्यादा दिन नहीं बीते जब विधानसभा में नीतीश कुमार बिहार में शराब के अवैध धंधे के लिए बीजेपी को दोषी ठहराते हुए खूब तू तड़ाक करते दिखे थे और मुआवजे की मांग पर कहा था कि जो पिएगा वो मरेगा। लेकिन अब आरजेडी के नेता ने ही इस बात का खुलासा कर दिया कि शराब तो तेजस्वी यादव भी पीते हैं और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के आधे से ज्यादा मंत्री पियक्कड़ हैं और आधे से ज्यादा अफसर भी हर रात अपना गला तर किया करते हैं। जब छापेमारी हुई तो छपरा में नीतीश कुमार की पार्टी के नेता के घर से ही शराब का जखीरा पकड़ा गया। जदयू नेता कामेश्वर सिंह के मकान से अंग्रेजी और देशी शराब जब्त की गई। इसके साथ ही पुलिस ने एक महिला को हिरासत में भी लिया। छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद से लगातार छापेमारी की जा रही है और एक गुप्त सूचना के आधार पर छपरा के मढ़ौरा नगर इलाके में स्थित जदयू नेता के मकान पर छापा मारा गया। ये मकान जदयू नेता कामेश्वर सिंह का है।
कामेश्वर सिंह जदयू राज्य परिषद के सदस्य हैं। इस मकान में किरायेदार के रूप में सरोज महतो और उसकी पत्नी रहती है। छापेमारी के बाद पुलिस ने घर की एक महिला को हिरासत में लिया। कामेश्वर सिंह मशरक के रहने वाले हैं, वही मशरक जहां जहरीली शराब से सबसे ज्यादा मौतें हुई। हालांकि शराब मिलने के बाद जदयू नेता कामेश्वर सिंह ने कहा कि उन्हें और पार्टी को बदनाम करने की साजिश हो रही है। दूसरी तरफ राजद के विधान पार्षद रामबली सिंह पर हुए एक स्टिंग ऑपरेशन ने बिहार की राजनीति को झकझोर कर रख दिया। इस स्टिंग में राजद नेता रामबली सिंह ने कहा कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव खुद शराब पीते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के आधे से ज्यादा मंत्री विधायक शराब पीते हैं और तेजस्वी भी उनमें शामिल हैं। बिहार भाजपा के ट्विटर हैंडल से भी वीडियो शेयर कर महागठबंधन सरकार पर हमला किया गया। स्टिंग ऑपरेशन में राजद एमएलसी रामबली सिंह कह रहे हैं कि शराबबंदी पर मुख्यमंत्री किसी की सुनना नहीं चाहते और उनकी अपनी जिद है। इसमें वो कहते दिख रहे हैं कि सभी लोग महसूस करते हैं कि शराब नीति की समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि शराब नीति कामयाब नहीं है, इससे गरीबों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बावजूद शराब मिलती है। तेजस्वी भी नहीं बोल पाते हैं नीतीश जी के सामने। तेजस्वी खुद दारू पीते हैं तो वो क्यों नहीं चाहेंगे कि दारू मिलनी शुरू हो जाए। रामबली सिंह ने जवाब दिया कि आधे से ज्यादा मंत्री और विधायक माननीय पीते हैं, आधे से ज्यादा ऑफिसर शराब पीते हैं। बंदी तो यहाँ दिखाने के लिए है। रात में जाकर पता कीजिए कितने ऑफिसर्स के यहाँ दारू चल रही है। उधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम छपरा में जहरीली शराब से मारे गए लोगों की जांच के लिए बिहार पहुंच गई है। टीम में 10 लोग शामिल हैं। छपरा सदर अस्पताल पहुंचकर जांच टीम ने मरीजों और मृतकों की संख्या और पोस्टमार्टम से जुड़ी जानकारी हासिल की। लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान अमित शाह बार बार टोका टोकी कर रहे टीएमसी सांसद सौगत राय पर भड़क गए और उन्हें जमकर सुनाया। असल में अमित शाह ने ड्रग्स की समस्या पर विस्तार से बात की। बहस के दौरान उनकी तरफ से कई मुद्दों पर विचार रखे गए, लेकिन जब शाह अपनी बात रख रहे थे, एक वक्त ऐसा भी आया जब टीएमसी सांसद सौगत राय द्वारा टोका टोकी करना शुरू कर दिया गया। इससे गृह मंत्री नाराज हो गए। अमित शाह जब अपना भाषण दे रहे थे तो बीच में टीएमसी सांसद सौगत राय ने टोका टाकी करना शुरू कर दिया। उस अवरोध से गृह मंत्री नाराज हो गए और उनकी तरफ से दो टूक कहा गया कि बीच में टोका टाकी करना ठीक नहीं है, ये आपकी उम्र के लिए भी ठीक नहीं है और ना ही आपकी सीनियरिटी के लिए। अगर आपको बोलना है तो मैं बैठ जाता हूँ, 10 मिनट आप बोल लीजिए। विषय की गंभीरता को समझिए। जब विपक्ष के किसी साथी ने बोला कि गृह मंत्री नाराज क्यों होते हैं, इस पर अमित शाह ने सिर्फ इतना कहा कि वे नाराज नहीं बल्कि समझा रहे हैं। कई बार बड़ों को भी समझाना पड़ता है। इसके बाद सदन में टोकाटाकी बंद हो गई और अमित शाह ने ड्रग्स के मुद्दे पर अपने विचार रखे। उनकी तरफ से इस बात पर खुशी जाहिर की गई कि इस मुद्दे पर सभी पार्टियां एकजुट दिखाई देती हैं। हर राज्य ने केंद्र के साथ मिलकर ड्रग्स की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए काम किया है। पाकिस्तान से मादक पदार्थ भेजे जाने के कुछ सदस्यों के उल्लेख पर शाह ने कहा कि पाकिस्तान से अभी कोई कारोबार नहीं हो रहा है, ऐसे में सरहद से होकर नशीले पदार्थ नहीं आते हैं, लेकिन वहां से ड्रोन से आते हैं, सुरंग बनाकर भेजे जाते हैं और बंदरगाहों के रास्ते आते हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार बंद करने का विषय नहीं बल्कि जो नए नए तरीके खोजे जाते हैं उनसे निपटना होगा। गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की नीति को स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो नशे का सेवन करते हैं वो इसके पीड़ित हैं और उनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए और उनकी नशा मुक्ति के लिए प्रयास होना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि जो व्यापार करते हैं और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होने की आवश्यकता है, उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए और कानून के शिकंजे में लाना चाहिए और यदि ऐसा नहीं किया जाता तो ये पीड़ित के खिलाफ होगा। गुजरात के एक बंदरगाह पर कुछ महीने पहले मादक पदार्थ की बड़ी खेप पकड़े जाने और इस पर बार बार कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों की आलोचनाओं पर अमित शाह ने कहा कि ये खेप सीमा शुल्क विभाग के सॉफ्टवेयर विश्लेषक के आधार पर ही पकड़ी गई है। अमित शाह ने कहा कि जिस राज्य में सबसे अधिक ड्रग्स पकड़ा जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि उस राज्य में सबसे अधिक ड्रग्स है, इसका मतलब ये है कि वो राज्य सबसे अधिक काम करता है और अगर पकड़ते ही नहीं तो कुछ नहीं पकड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि फिर तो पंजाब में ड्रग्स है ही नहीं, आंकड़े अच्छे ही हो जाएंगे, लेकिन क्या इस शुतुरमुर्ग नीति से देश को बचा पाएंगे। अमित शाह ने कहा कि मुंह मिट्टी में डालने से आंधी नहीं चली जाती, इसका सामना करना होता है, झेलना होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।